श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति श्रीफल न्यूज। महालक्ष्मी नगर में पंच कल्याणक महोत्सव 14 जनवरी 2017 आचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज। ज्ञान गंगा महोत्सव के तीसरे दिन परम पूज्य आचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज ने कहा कि मैं यहां भगवान महावीर को सूर्य मंत्र देने आया हूं, ताकि आप सभी परिवार भगवान की भक्ति कर अपने पुण्य कर्म को प्राप्त हों, आपका जीवन स्वस्थ और वैभवपूर्ण हो। इस अवसर पर भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य पवन जी जैन को, स्वधर्म बनने का सौभाग्य अशोक जी पाटनी को, धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य अनिल जी जैन को एवं समारोह के अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मनीष जी जायसवाल को मिला है। इसके पूर्व प्रणाम सागर जी महाराज जी ने पंच कल्याणक के सभी पात्रों पर विस्तार प्रकाश डाला। आपने कहा कि माता पिता अपने पुत्रों को जीवन भर लगातार उसे आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से मेहनत करता है। आज उन पुत्रों का भी अपने माता पिता को भगवान के माता पिता बनाने का गौरव इस पंच कल्याणक में बनाने का सौभाग्य दिलवाना चाहिए। परम पूज्य पूज्य सागर जी ने कहा कि आप स्वयं के लिए नहीं, सिर्फ देव गुरु शास्त्र के प्रति अपना अहम और वहम का त्याग करें। देखते देखते करीब 15 बड़े इंद्र बन गए, सभी का सम्मान किया गया और सभी ने आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ज्ञान गंगा महोत्सव का दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण करने का सौभाग्य माता पिता बनने वाले पवन कुमार जी ने किया। आचार्य श्री के पाद पछालन करने का सौभाग्य सोधर्म अशोक पाटनी द्वारा किया गया। शास्त्र भेंट महिला मंडल द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन डीके जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रज्ञश्री संघ द्वारा किया गया। आभार अनिल मोदी ने किया। श्रीफल न्यूज के लिए इंदौर से डीके जैन की रिपोर्ट। महामृत्युंजय तीर्थ में 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक कार्यक्रम। परम पूज्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के प्रमुख सानिध्य, पावन प्रेरणा एवं परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सूरत्न सागर जी महाराज के मंगल निर्देशन में महामृत्युंजय तीर्थ में 30 नवंबर से 5 दिसंबर 2016 तक कार्यक्रम होने जा रहा है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा निकटवर्ती चंबल नदी के तट के पास स्थित महामृत्युंजय तीर्थ में होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीफल न्यूज। कल्याण मंदिर विधान। आरिका गणिनी श्री 105 सरस्वती माता जी के सानिध्य में 44 दिन का कल्याण मंदिर विधान कराया जा रहा है। 4 दिसंबर रविवार से प्रतिदिन 44 दिन तक श्री 1008 पारसनाथ धरणेन्द्र पद्मावती दिगंबर जैन मंदिर खेकड़ा बागपत में प्रातः 7 बजे जलाभिषेक, 7:30 बजे शांति धारा, तत्पश्चात विधान प्रारंभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीफल न्यूज। सुसंस्कारों बिना सुदृढ़ समाज का निर्माण नहीं हो सकता। दिगंबर जैन मंदिर में प्रशिक्षण शिविर व धर्म सभा। बच्चों में सुसंस्कारों की शिक्षा बिना सुदृढ़ समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। सक्रिय सम्यक दर्शन भी इसमें सहायक है। स्वस्तिक चिन्ह संसार का सबसे बड़ा मांगलिक प्रतीक है। जब तक बच्चे शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षित नहीं होंगे, तब तक समाज का कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए बच्चों को उत्तम चरित्र के संस्कारों वाले विद्यालय में शिक्षा के लिए प्रवेश दिलाएं। महाराज ने नीमच दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविर के दौरान धर्म सभा में कही। उन्होंने कहा, पश्चिम क्षेत्र में विद्यार्थी को केसरिया रंग का पीतल का स्वास्तिक लगाना चाहिए। समाज का उत्थान तब होगा जब बच्चों में अच्छे संस्कार, उज्जवल चरित्र, पवित्र होगा। बच्चों को स्वास्तिक चरित्रवान संस्कार नहीं मिल रहा है। समाज के विद्यालय के लिए समिति गठन कर सरकार से भूमि क्रय करें। सम्यक दर्शन क्रियान्वयन हो तभी समाज का विकास होगा। विद्यालय प्रकल्प में सभी सहयोग करें। शिक्षा चिकित्सा सेवा में हम सक्षम नहीं होंगे तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। समाज जनों ने शांति धारा अभिषेक किया और धार्मिक संस्कार के लिए जैन विद्यालय निर्माण करने में सहभागिता का संकल्प लिया। मुनिश्री के मार्गदर्शन में चतुर्मास काल में ही संत निवास की भूमि क्रय कर चार दीवारी कार्य भी पूर्ण हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीफल न्यूज।
गुरुमती माता जी की पिच्छिका लेने का परम सौभाग्य अमित व नीलम को मिला। पिच्छिका परिवर्तन समारोह, शहर के प्रमुख मार्गों से निकली यात्रा उमड़ा जन सैलाब। शाहपुर नगर गौरव आर्य का रत्न गुरुमती माता जी एवं उनके संघस्त 21 आर्यिकाओं का पिच्छिका परिवर्तन समारोह सैकड़ों श्रद्धालुओं की गरिमामयी उपस्थिति में प्रतिष्ठाचार्य अशोक भैया जी के मार्गदर्शन एवं कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में शाहपुर में संपन्न हुआ। गुरुमती माता जी की पिच्छिका लेने का परम सौभाग्य अमित जैन एवं श्रीमती नीलम जैन को प्राप्त हुआ। इसी क्रम में उज्ज्वलमती माता जी की पिच्छिका दीपक सिंघई एवं श्रीमती निधि सिंघई, चिंतनमती माता जी की पंकज बड़कुल, सूत्रमती माता जी की संजय भारल, शीतलमती माता जी की यतेंद्र कठरिया, सारमती माता जी की मनीष जैन, साकरमती माता जी की नीरज मोदी, सौम्यमती माता जी की कैलाश चंद सराफ, शांतमती माता जी की विनय जैन, सुशांतमती माता जी की आजाद जैन, जागृतमती माता जी की नवीन जैन, कर्तव्यमती माता जी की मुन्ना लाल सिंघई, निष्कामती माता जी की सुभाष चंद्र कठरिया, वीरतमती माता जी की प्रकाश चंद, तथामती माता जी की विमल कठरिया, चैत्यमती माता जी की कठरिया, तथामती माता जी की विमल कठरिया, चैत्यमती माता जी की कठरिया, पुनीतमती माता जी की वीरेंद्र ब्या, उपसम्मति माता जी की कैलाश कठरिया, धुरवमती माता जी की नरेंद्र जैन, पारमती माता जी की चंद्र कुमार बड़कुल, आगतमती माता जी की राजेश जैन एवं श्रुतमती माता जी की पिच्छिका लेने का परम सौभाग्य सुशील जैन एवं उनकी धर्म पत्नी को प्राप्त हुआ। मंत्री गोपाल भार्गव के उत्कृष्ट कार्यों एवं संपूर्ण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जैन समाज द्वारा श्रीफल शाल एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीफल न्यूज़।